अरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब आप अच्छे होंगे। देखिए इधर ईशू तैयार हो रहा है। चलो, गाड़ी आ गई है सन की और भागा वहाँ से, उधर से बच्चे को लेके फिर इधर आती है। हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो मैं जल्दी से उठ गया हूँ, ब्रश कर लिया है, तो अभी मैं जल्दी से रेडी हो गया हूँ, बैग भी ले लिया है। तो आप आ रहे हैं, जाओ चाचू, चाचू बुला रहे, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। दोस्तों अभी साई चला गया है स्कूल और हस्बैंड को भी जाना है, तो वो चले गए हैं नहाने। और अब मैं जाती हूँ किचन में और उनके लिए बना देती हूँ नाश्ता, और उसके बाद मैं आपसे आगे। वो देखा, साई आ गया है। अभी साई कर रहा है हैंड वॉश। देखिए हैंड वॉश कैसे करता है, पूरा पानी देखिए देखिए ना, देखो कितना बबल बना देता है। बताए क्या हुआ, लाइट आ रही नहीं है और सुबह 10 बजे लाइट चली गई थी। हाँ, तो मैंने कहा ये चले गए थे ऑफ़िस, 10 बजे के बाद ऑफ़िस चले गए। उसके बाद में मैंने थोड़ा देर ऐसे ही सीरियल वगैरह चल रहा था, गाने चल रहे थे पहले, तो फिर सीरियल चला लिया ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा देखने लग गई। फिर मैंने ना लौकी के कोफ्ते बनाने थे आज, तो वही लौकी कद्दू घस करी, मसाला वसाला डाला, और इसमें मुझे ध्यान आया अरे लाइट तो है ही नहीं, अब मसाला कैसे पीसना है। फिर मैंने कहा छोड़ो, तो अभी मतलब किचन में ऐसे ही रखा है सारा सामान, तो मेरा आज खाना भी मतलब रेडी नहीं हुआ। और फिर इधर इधर डांस के लिए भी चले गए, क्योंकि मेरा सोलो डांस नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली सब लोग आ रहे थे तो ग्रुप में हम लोग का सीख रहे हैं हम लोग, तो ग्रुप हो जा रहा था, लेकिन सोलो मेरा रुका हुआ पड़ा था। एक गाना सीखने के बाद में सोलो रुका ही पड़ा था। तो ये सर बोले थे जो सिखाते हैं, तो बोले कि आइएगा मैडम तो सीख लीजिएगा, थोड़ा दिन में टाइम मिल जाएगा, नहीं तो शाम को फिर वही हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, तो इसीलिए फिर हम चले गए कि करके आ जाते हैं, सोलो डांस सिखाते हैं। तो प्रिया भी साथ में गई थी मेरे, कि वो भी सीख लेगी ग्रुप वाला भी, क्योंकि ग्रुप में तो मैं भी हूँ वो भी है, तो इसी के चलते तो अभी सीख के आए। तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम हो गया, पहले गए फिर चाबी नहीं थी, तो चाबी फिर वापस लेने आई, फिर तब पहुँची क्लब, फिर तो उसमें भी हमारा 10-15 मिनट से ज़्यादा ऊपर वेस्ट हो गया। तो दोस्तों अभी शाम का 5:15 हो रहा है और मैं उठ गई थी 4 बजे, 3 बजे करीब हम लोग लेटे थे, 4 बजे तक हम लोग उठ गए, क्योंकि 4 बजे उसको ट्यूशन पढ़ता होता है ईशान को। और अभी देखिए साईं भी अपना होमवर्क कर ही रहा है, और अभी चाय वाय तो हो गया है। और अभी ना मैं जो सुबह हम बनाने वाले थे कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी, तो सुबह तो बन नहीं पाई थी, तो अब मैं बनाने जा रही थी, तो उसको मसाला पीसा है अभी, अब उसका सब्ज़ी बनाऊँगी। पहले साईं को थोड़ा सा कंप्लीट करा देते हैं उसका होमवर्क, फिर आपसे आगे मिलती हूँ। देखिए साई ने अपना होमवर्क, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट देखिए। और साई ने ना बहुत ही जल्दी से होमवर्क कर लिया है, और अभी देखो 6 भी नहीं बजा, 5:45 हुआ है, 10 मिनट बाकी है अभी। मेरी ये आदत है ये ना इसकी ना ये आदत है, कैसे करते बताओ, ये देखो करके बताओ, थोड़ा सा बताओ करके। और ये देखिए, हाँ देखो ये ऐसे ऐसे मेरे लिप्स को करता है, और ये जब भी सोएगा तो हमेशा ऐसे सोता है, तो मेरे एक हाथ पे सोएगा और ऐसे ऐसे करता रहेगा, और इसकी वजह से मेरे ना लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे करता ही रहता है। और जब दिन में बैठेगा मेरे पास, अगर फ़ोन देखने के लिए मैं बैठी हूँ, कुछ देख रही हूँ, अगर मेरे पास भी बैठ जाएगा तो बस ये ऐसे ही लिप्स करता रहता है। इसकी ये बहुत ही अलग और अनोखी आदत है अनोखी नहीं अनोखी तो कभी कभी तो इतनी इरिटेशन हो जाती है इतनी ज़्यादा कि कभी कभी ये सोता नहीं है, रात को बहुत देर तक इसको सुलाते सुलाते भी कभी 1-1 घंटा हो जाता है, और कभी ये नहीं सोता, हम सो जाते तब भी ये करता रहता है। तो सोते सोते हम आंखें बंद होंगे और ऐसे से कोई करेगा तो मतलब आपको नेचुरल है कि इरिटेशन हो जाएगा। अगर हम तो भूत वाला गेम देखते हैं और हमें सोते हैं तो हम नहीं सोते, जल्दी ऐसे ही करके सो जाते हैं। तो अभी साई का होमवर्क हो गया है कंप्लीट, अब साई क्या करेगा, मस्ती। और ये बिंदी कहाँ से आई तुम्हारे पास, मेरे चली गई तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ पे 3 बजे सो रहा था ना तुम मेरे हाथ में लाओ मेरा, लाओ बिंदी लाओ। और देखो यहाँ बेचारा इशू भी ट्यूशन पढ़ रहा था 4 बजे से, और उसका होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और ये बेचारा अपना होमवर्क करने में लगा हुआ है, और अभी होमवर्क हो जाएगा तो थोड़ा सा जाएगा घूमने के लिए बाहर, और उस बेचारा बच्चा मेहनत करके लगा हुआ है कि बेटा
और साई तो गुड बॉय है, साई ने तो अपना होमवर्क जल्दी से फिनिश कर लिया ट्यूशन का भी। पुलिस बनना भैया को बोल रहे हो, गॉड ब्लेस। तू तू कर दो। ये क्या करता है जब हम लोग तैयार हो जाते हैं ना कहीं पार्टी में जाएं या कहीं कभी ऐसे इसका मन हो तो क्या सकते है? जो करता है अभी नहीं बता रहा है, ये देखो ऐसे करता है, ये ना बलाई लेता है, बलाई जो करके ऐसे करके काजल का टीका लगाते हैं ना तो ऐसे करके ये ऐसे से लगा देता है फिर यूँ करके यूँ करता है। ये पता नहीं कहाँ से सीखा इसने, शायद टीवी वगैरह में से सीखा है। तो मतलब इसने पहली बार जब किया था ना तो बहुत समझ में ही नहीं आया था बहुत देर तक, ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है। फिर जब समझा कि ये क्या कर रहा है, मम्मी ऐसे करते ना ऐसे करते ना, तब मेरे को समझ में आया ओ माई गॉड मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो देखिए मेरा बेटा भी बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, ये मेरे फुंसी निकल रही है और देखो कि यहाँ फोरहेड पे भी यहाँ निकल रही है। तो मौसम ऐसा ही हो रहा है थोड़ा सा, ये मौसम गर्म होने से तो इसीलिए अभी थोड़ा सा चाय पानी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, पानी ज़्यादा करना पड़ेगा चाय कम करनी पड़ेगी। तो कॉफ़ी का एक्चुअली मेरा मन बहुत होता है पीने का कि कॉफ़ी पी लूँ तो ले, और पता है जुम्बा क्लास हमारी होने रही है और मैं ऊपर बैठ बैठ के घर में चाय कॉफ़ी पीती रहती हूँ तो वेट मेरा ऐसे भाग रहा है ऐसे करके ऐसे। तो ये बोल रहे थे कुछ कर रही नहीं हो फिर बाद में कहोगी, तो मैं बोली आपका भी कौन से कम है, आपका भी तो पेट निकल गया है। तो हम लोग ऐसे ही ट्रोल करते रहते हैं हस्बैंड को और वो मेरे को कर देते हैं जब उनका मन होता है, लेकिन बहुत रेयर करते हैं क्योंकि मैं बोलती हूँ मैं गुस्सा हो गई करके। तो गुस्सा हो जाने से मेरा उनका ना दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि वो नीलू गुस्सा हो गई तो अब क्या होगा कैसे मानेगी करके। ये देखिए ये सिया है, सिया कितनी प्यारी बेटी है, कितनी क्यूट है। पापा। दोस्तों अभी शिल्पी का फोन आ गया था, मेरी जो छोटी बहन है तो उसका फोन आ रहा है तो मैं उसमें ना कॉल करने लगी तो मैं कहला बात कर लेती पहले, तो अभी इसीलिए कॉल पे ही हूँ मैं अभी। देखिए ये सिया है छोटी सी, तो ये बात कर रही है और ये ना मेरी माँ को मतलब अपनी नानी को ना बहुत परेशान कर रही है, बहुत उनको कभी चूटी काटेगी कभी नोचेगी कभी कुछ करेगी और ये बहुत परेशान कर रही है मेरी मम्मी को। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि क्यों मेरी मम्मी को मारे, तो पापा पापा हट ऐसा करके डरा रही है सबको। मैं ना जा रही हूँ डांस सीखने के लिए, डांस प्रैक्टिस के लिए। तो अभी मेरा ना सब्जी भी देखिए बन ही गया लगभग और अभी बस दूध भी उबल जाएगा तो फिर मैं निकल जाती हूँ क्योंकि 7:15 हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं क्लब, साईं भी हमारे साथ जा रहा है, अभी हम बस पहुँच ही गए क्लब। अभी आज कर लिया प्रैक्टिस खत्म, तो चलते हैं घर फिर आपसे आगे मिलते हैं। साई साई देखिए कैसे लेटा है टेबल। अभी हम घर आ गए थे तो अब मैंने खाना भी बना लिया है और ये देखिए साई खाना खा रहा है अपना। दोस्तों आज जो प्रैक्टिस करी थी मैंने तो मेरा जो सोलो डांस है बिल्कुल भी आज नया स्टार्ट किया था तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था और थोड़ा थोड़ा सा हुआ है तो वही मुझे टेंशन हो रहा था कि ग्रुप डांस के चलते मेरा ये सोलो डांस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कल सुबह मैं जाऊंगी फिर प्रैक्टिस के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।